हेलो आप सभी को। आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बताएंगे नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो कि 2020 में फ्रेशर्स के लिए। और बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको देखेगा कि इसमें फ्रेशर्स के अलावा और भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं फोकस करूंगा फ्रेशर्स को, जो अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप एंड फुल टाइम दोनों। आप इसमें वीडियो में देखेंगे तो आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप उस लिंक पर जाके, अगर आप एक्सपीरियंस दें, आप पहले से कहीं वर्किंग है, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने कुछ कंपनीज के बारे में बताया था, लाइक गोल्डमैन सैक्स एंड कोऑर्डिनेशन, इन सब कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था, जिनकी ओपनिंग्स आई हुई थी फ्रेशर्स की, इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए। तो आज कुछ कंपनीज की और हम बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली कंपनी है स्क्वेयर, एक्चुअली एक स्टार्टअप है। मतलब ये लोग वेब एंड मोबाइल एप्स वगैरह बनाते हैं, ये सब का इनका काम है, मतलब आईटी इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ओपन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न्स की। उन्होंने लोकेशन दी हुई है गुरुग्राम में। नाउ ये अगर इस पोजीशन के बारे में पढ़े तो, वी आर लुकिंग फॉर एन इंडिविजुअल हु इज पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग ऑसम वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो बस आपको इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल से थोड़ी गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का अगर बताया तो इन्होंने बोला है कि पाइथन, रिएक्ट, एंगुलर, MySQL, Node.js, अगर आप इन सब से कंपेटेबल है, अगर आप इन सब के रिलेटेड फील्ड में काम करते हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटर्न है। अगर मैं आप इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का क्विक अप्लाई का खुलेगा। यहाँ पर आपको फुल नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह ये अगर आप डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो आपको अपनी जो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उस पर एक्नॉलेजमेंट मेल भी आएगा कि हाँ द स्क्वायर बोट हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप के लिए। इसमें आप दोनों फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कोविड का टाइम चल रहा है तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं एक और पे, एक सिंपल पे, एक आपका ऑनलाइन खाता। मैं बता दूं कि ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं इसमें, ऑनलाइन खाता है ये। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये भी एक स्टार्टअप, ये मतलब आपको ऑनलाइन आपको सब, मतलब जो अभी आपका बैंक अकाउंट है उसको सारे आपके ट्रांजेक्शन ये देखता है, जैसे कि मैंने लिखा है बाई एनीथिंग ऑन इंटरनेट विद वन टैप। मतलब आप किसी भी उस पर अगर आप एक टैप करेंगे तो आपको वो सिंपल पे ले जाएगा, फिर वहां से आप अपना ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने पूरे अपने वो भी दिए कि 2500+ ऑनलाइन स्टोर से ये लोग कनेक्टेड हैं। तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी निकली है, जॉब्स एंड सिंपल R&D समर इंटर्नशिप। तो जो भी मतलब ये रिमोट होगी और ये इंटर्नशिप है, तो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी इस R&D फील्ड में अपना करियर एक्सेल करना चाहते हैं, वो इस फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स में जो मांगा है वो राइट सिक्योर एफिशिएंट एंड गुड क्वालिटी कोड, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन CS वो प्रेफर्ड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड मोबाइल ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और जो इन्होंने टेक्नोलॉजी का बोला है वो है ROR, गोलैंग, Node.js एंड जावा। मैं Node.js और जावा के बारे में जानता हूँ, ये अगर आप इससे फैमिलियर है तो आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो ये है कुछ। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई करके जा सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको रेज्यूमे अपना अपलोड करेंगे, फिर आपकी डिटेल्स मांगी हुई है, देन वो आपकी गिटअप प्रोफाइल वगैरह की, आप अगर अपना कुछ आप मतलब वर्क उन्हें बताना चाहते हो कि आपने कुछ ऐसा डेवलप किया है या फिर आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो आप उन्हें शो करना चाहते हो, वो आपको थोड़ा सा आपकी क्या आपके एप्लीकेशन में आपको प्रेफरेंस देता है, तो वो सब आप कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप के लिए। दोनों ही फुल टाइम और प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पेबल वगैरह भी दिया हुआ है कि 1st एंड 16th ऑफ एवरी मंथ ये लोग पे करते हैं, तो देख लेना, ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है R&D समर इंटर्नशिप। इसके बाद आते हैं हम एक जाइकस, AI पावर्ड ग्लोबल सिक्योर टू पे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये कंपनी है। यहाँ पर भी ओपनिंग निकली हुई है, इन्होंने लोकेशन दी हुई है बेंगलुरु, और ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, एंगुलर डेवलपर के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इन्होंने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दिया हुआ है कि फ्लो ऑफ कोड समझ में आना चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट कैसे कनेक्ट करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह, और उसके बाद रिक्वायरमेंट जो इन्होंने मांगी है वो भी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फ्रेशर्स होना चाहिए, प्रीमियम और टियर वन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी पे आए तो जावा स्क्रिप्ट
और CSS, HTML5, CSS3 ये सब, इन सब आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, इन सब की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स का मिल जाएगा कि हाँ आप ये डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर, अगर आप रेज्यूमे डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें से ये फेच कर लेगा और ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप फोन एंड फिर आप अपनी रेज्यूमे की प्रोफाइल, फिर आप अपना टोटल एक्सपीरियंस, कॉलेज, ये सब आप बता सकते हो। ये पूरा पूछा हुआ है, सबमिट कर दोगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट मेल भी आता है। ठीक है, तो एंगुलर डेवलपमेंट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप इस जॉब को शेयर भी कर सकते हो, मतलब अगर आप एम्प्लॉयड हो और आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा है जो अगर जॉब ढूंढ रहा हो और एंगुलर डेवलपर हो, तो आप उसको इस जॉब यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। इन्होंने शेयर जॉब का ऑप्शन भी दिया हुआ है और आप उसको मेरी वीडियो रेफरल भी कर सकते हो। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकली है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, ये जाएगा, ये सेम है, ये भी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, सेम लोकेशन है, बेंगलुरु। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मतलब इन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ भी दी है, आप देख सकते हो। आपको अगर सूटेबल लगता है अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, आपको इस फील्ड में अपना करियर एक्सेल करना है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिक्वायरमेंट में 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बेनिफिट्स भी दिए हैं जो एक जायकस को ज्वाइन करने के, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, मेरे को अप्लाई करना चाहिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें और अच्छा ही होगा अगर आपका मतलब इसमें हो जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की प्रोफाइल है, आईटी प्रोफाइल है, सेम यहीं पर अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पर सेम है। ये ओवरव्यू है, जॉब डिस्क्रिप्शन है आप, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो वही सेम आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, आपका रेज्यूमे, आपका टोटल एक्सपीरियंस, अगर आप किसी कंपनी में, अगर आप एम्प्लॉयड और किसी कंपनी में काम करते हो तो वो, उसके बाद फिर आपका नोटिस पीरियड वगैरह, CTC वगैरह बताएंगे, ये अप्लाई कर सकते हो। और ये जॉब आप किसी को रेफर भी कर सकते हो, मैंने जैसे ही बोला कि यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, आप मेरी वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। अगर आप एम्प्लॉयड हो और आप किसी को चाहते हो कि वो इस जॉब में अप्लाई करें, उनके लिए सूटेबल है, तो एज यू विश आप दोनों ही चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जायकस में दो अपॉर्चुनिटीज है, एक एंगुलर डेवलपर की है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन टेस्ट, ये जायकस में है। और उसके बाद एक लास्ट में एक इंटर्नशिप है, एक हेलो एमएल करके एक प्लेटफॉर्म है, जो कि मतलब आर्टिकल्स जहाँ पर आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग के रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं। अगर आप आर्टिकल्स लिखने में अच्छे हैं, अगर आपको आर्टिकल्स लिखना अच्छा लगता है, आपको कोई चीज़ की नॉलेज है, आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो इन्होंने, इनके पास एक हेलो एमएल इस प्लेटफॉर्म पे अनपेड इंटर्नशिप है, ये इनका फॉर्म है, मैं इस फॉर्म की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये अनपेड इंटर्नशिप है, आपको मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको कोई इस काम करने का आपके पास कोई मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, बट आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा इंटर्नशिप कंप्लीशन का। एंड उन्होंने बोला है कि अगर आपको मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 10 आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो देख लेगा, अनपेड इंटर्नशिप है, मैंडेटरी नहीं है। जिसको अगर आर्टिकल्स लिखना अच्छा लगता हो, जो मीडियम वगैरह पे पहले से आर्टिकल्स लिखते हो, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी, एंड जो चीज़ वो करते हैं उसमें उनको इंटर्नशिप भी हो जाएगी, उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो इस फॉर्म का भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इस वेबसाइट का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको देखेंगे कि हाँ आर्टिकल शेयर हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट वगैरह, और यहाँ पर इन्होंने दिया हायरिंग ज्वाइन आर इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो शायद आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं इंटर्नशिप इस फॉर्म के कांटेक्ट में आया था, तो मैंने सोचा कि ये शेयर कर दूँ। प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर, दोनों ही कोई भी अप्लाई कर सकता है, आपको मतलब फायदा ही करेगी यार। आर्टिकल्स लिखोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग, ये तीन मतलब ये आर्टिकल्स, इनके मेजर जो इनका एरिया है ना, वो इसके इस फील्ड में ये लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी आज की वीडियो के लिए, इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोज में, कॉन्टैक्ट में रहिएगा, आपको और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।